हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। मैं हूं टीम की ओर से रमन मिश्रा। मैं इससे पहले आपको दो लेक्चर हिंदी के पढ़ा चुका हूं, यानी इस समय जो लेखपाल है उसी के लिए हिंदी वर्णमाला की क्लासेज आपकी स्पेशल चल रही। संपूर्ण हिंदी मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाना है। आज हम लोग वर्णमाला के तीसरे लेक्चर पर हैं, यानी जितने लोग आपके लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग अच्छे से इन सारी क्लासेस को अटेंड करें। कुछ ही दिनों में हम लोग लाइव क्लासेस प्रारंभ कर देंगे। बोर्ड आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी, बस कुछ चीजें बाकी हैं, वो भी सामान आते ही हम लोग लाइव क्लासेस आप जो है शुरुआत कर देंगे। तो आज मैं उसी के क्रम में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे थे और हिंदी वर्णमाला के क्रम में आज हम लोग जो है उच्चारण के स्थान पर, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके स्वर क्या होते हैं, स्वर के साथ साथ मैंने जो है व्यंजनों के बारे में भी आपसे विधिवत चर्चा की थी कि व्यंजन के अंतर्गत क्या कितने वर्ण आते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने तीसरा जो इसका पॉइंट होता है विसर्ग विसर्गों के बारे में भी परिचर्चा की थी कि आखिर विसर्ग क्या होते हैं, इनका योगदान क्या होता है, और साथ ही साथ स्वरों के विभेद के बारे में भी मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि स्वर के आपके संयुक्त स्वर क्या होते हैं, हरस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। व्यंजनों के बारे में भी मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। विसर्ग के बारे में भी मैंने बताया है कि आपके अनुनासिक क्या होते हैं, निरन्नासिक क्या होते हैं, साथ ही साथ आपके जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ हमने बात कर ली। आज हमें सिर्फ मुख्य रूप से बात करना है कि उच्चारण के जो है जितने भी आपके वर्ण होते हैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है, क्योंकि परीक्षा में इससे अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आज शुरुआत कर रहे हैं आपके वर्णों के उच्चारण स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें मैंने दो आधार पर इनका जो है वो किया है, जिसमें आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। अगर हम देखेंगे इसमें कि वर्णों के उच्चारण स्थान में क्या क्या चीजें आती हैं, तो यहां हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्णों के उच्चारण में पहले तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि स्वरों का वर्गीकरण जो है या स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो इनमें ध्यान रखिएगा सारे लोग, मैंने हालांकि इनके बारे में विधिवत आपसे चर्चा की थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण को, और स्वरों के वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग विभेद बताए गए हैं। वो विभेद क्या क्या है, देखिए, जब हम बात करेंगे हिंदी में स्वर ध्वनियों की, तो स्वर ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया जाता है मुख्य रूप से तीन आधारों पर किया जाता है, तीन बेस इसमें बनाए गए हैं। वो क्या क्या है बेस, आप जानते हैं कि सबसे पहली चीज होती है जीभ के स्थिति के आधार पर आपके स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, उन्हीं पर स्वरों का विभेद किया जाता है। तो पहला जो इसका विभेद होता है वह होता है जीवा की ऊंचाई पर, जीभ आपकी कितनी ऊंचाई से उच्चारित करती है किसी भी स्वर को, वायु की मात्रा कितनी उससे निकलती है, मतलब जीभ जितनी ऊंचाई पर उठेगी तो संकुचन होगा और वायु उसी संकुचन के आधार पर बाहर निकलती है। तो सबसे पहला इसमें जो वर्गीकरण किया जाता स्वरों का वह होता है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण किया जाता है या जिह्वा की स्थिति को लेकर किया जाता है, और तीसरा जो होता है या होठों की आकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है कि हमारे होंठ कैसे खुले, गोलीय बन रहे हैं कि आपका गोलीय होंठ नहीं हो रहा। कई आपके स्वर ऐसे हैं, जब आप 11 स्वरों के बारे में पढ़ेंगे तो इन 11 स्वरों में जो चीजें आपको मिलने वाली हैं उसमें सारी चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। 11 जो आपके स्वर वर्ण होते हैं इनमें सारी चीजें मैंने बताया था कि सब कुछ आपका कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। तो चलिए एक एक करके मैं आपके सामने उठा रहा हूं, आज हम लोग इन पर विधिवत चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपके सामने आ रही है, पहला प्रकार हम लोग पढ़ने यहां पर जा रहे हैं, और वह पहला प्रकार आपका आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, कौन सा है, पहला प्रकार है आपका जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर आपके स्वर कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिए, जब हम बात करेंगे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। चार वर्ग कौन कौन से बनते हैं, यानी जीभ की ऊंचाई किसी भी स्वर वर्ण को बोलते समय जैसी होती है उसी हिसाब से उस वर्ण के उच्चारण में वायु की मात्रा बाहर आती है। तो ध्यान दीजिए,
जब हम बात करेंगे जीवा की ऊंचाई के आधार पर, यहां पर चार प्रकार बनते हैं। सबसे पहला बन जाता है आपका समृत स्वर, दूसरा बनता है अर्ध समृत स्वर, और तीसरा जो इसमें प्रकार बनता है उसको हम बोलते हैं अर्ध विवृत, और चौथा जो बनता है इसको बोलते हैं विवृत। तो जीवा के ऊंचाई के आधार पर चार प्रकार के आपके स्वर बनते हैं। उन स्वरों में कौन कौन से, पहला तो आपका आता है समृत स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृत, तीसरा होता है अर्ध विवृत, और चौथा होता है विवृत। अब एक एक परिभाषा इनकी हम देखते हैं कि समृत क्या है, अर्ध समृत क्या है, विवृत क्या है, और अर्ध विवृत क्या स्वर होते हैं, क्योंकि इनसे यूपी ट्रिपल एससी का जो नया ट्रेंड चल रहा है उस पर इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम बात करेंगे आपके समृत स्वरों की कि समृत स्वर आपके क्या होते हैं, तो हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जितना अधिक भाग ऊपर उठता है उससे, मतलब जिह्वा आपकी जितना ऊपर उठी उससे जो वायु की मात्रा आपकी निकलती है, ठीक है, उससे जब हम बात करेंगे तो उतना ही ध्यान दीजिए, जब हम यहां देखेंगे उससे उतना ही संकुचित होकर बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है आपकी वायु, इससे उच्चारित होने वाला स्वर समृत कहलाते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जिह्वा की ऊंचाई जितनी आपकी हुई उसी से वायु संकुचित होकर, मतलब रास्ता सकरा होगा जाहिर सी बात है, और वायु आपकी बाहर निकलती है। आप बोल के देखिए, उच्चारित करिए, जब आप बोलेंगे ई ई तो जीभ में आपके खिंचाव होता है, संकुचन होता है, और वायु उसी आधार पर निकलती है। तो ऐसे स्वरों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्वरों को समृत स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें चार आते हैं, इ ई उ ऊ, ये चारों आपके समृत स्वर हैं, यानी जब इनको हम उच्चारित करते हैं तो जिह्वा हमारी क्या होती है, संकुचित होती है, और वहां से वायु का प्रवाह बनता है। अब हम बात करते हैं अर्ध समृत स्वर कौन से होते हैं, दूसरा प्रकार जिह्वा की आपकी ऊंचाई को लेकर के। दूसरे प्रकार में जब हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का भाग कम ऊपर उठता है, जिह्वा का भाग मतलब अगर हम बोल रहे तो जीभ हमारी कम ऊपर उठती है, वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वायु होगी अंदर से, जो आपके हवा निकलती है, यह मुख विवर में कम संकुचित होती है, मतलब कि इसमें जो आपकी वायु आएगी वह संकुचित होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। संकुचित का मतलब होता है दबाव होना, ठीक है, वायु संकुचित बहुत कम होगी, और ऐसी स्थिति में आपका क्या बनता है, इससे उच्चारित जो स्वर होगा वह अर्ध समृत कहलाते हैं। यानी जब हम बोले तो जीभ हमारी कम उठे, जैसे हम ई ई आपने बोला, जब ई ई बोलते हैं तो जीभ कुछ ज्यादा उठती है। अब हमें ऐसे वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं, जैसे आपका है ए और ओ, इन दोनों को जब आप बोलेंगे तो जीभ आपकी ई उ बोलने से थोड़ा सा कम उठती है, इसीलिए इनको हम अर्ध समृत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। समझ गए, ये जीवा की स्थिति के आधार पर है। अब हम तीसरा प्रकार इसमें लेकर चलते हैं, जब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के बारे में कि तीसरा प्रकार आपका कौन सा है, तो तीसरा प्रकार इसमें आता है आपका कौन सा, अर्ध विवृत स्वर। ध्यान दीजिए, अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं, आखिर अर्ध विवृत किनको बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि जिह्वा के आधार पर ही हम सारी चीजों को ले रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अर्ध समृत से कम ऊपर उठती है, ठीक है, जिनमें जिह्वा हमारी अर्ध समृत से भी कम ऊपर उठे, और जो मुख विवर है, मुख विवर ठीक है समझते हैं ना, जो मुख विवर है उसमें वायु मार्ग खुला रह जाए, इससे उच्चारित जो स्वर हो वह अर्ध विवृत की श्रेणी में आता या अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। समझ गए, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब यहां पर आप उच्चारित करके देखिए कौन कौन सा है, आ ए और औ, इन तीनों को जब आप बोलेंगे तो मुंह आपका खुला रह जाएगा, मुंह आपका खुला रह जाएगा, इसीलिए हम लोग इनको किसमें, अर्ध विवृत स्वर की श्रेणी में रखते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया कि अर्ध विवृत क्या होते हैं। अब इसके बाद हम चौथे प्रकार पर इसके बढ़ते हैं, चौथा प्रकार आपके सामने है और वह प्रकार क्या है, विवृत स्वर। चौथा प्रकार आपका क्या है, विवृत स्वर। विवृत, अब वहां पर मुंह खुला था तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्थिति यहां बनती है, वो क्या होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में
जिह्वा मध्य में स्थित होती है, यानी बीचों बीच में जिह्वा है और मुख द्वार पूरा खुला रह गया, ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं, विवृत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखते हैं कि विवृत स्वरों के कौन से उदाहरण हैं, तो इनमें सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखना है, ठीक, वह स्वर कौन सा आता है इसके अंतर्गत, वह स्वर आपका है आ, यानी जिसको आप बड़ा आ बोलते हैं, वह स्वर आपका विवृत स्वर होता है। विवृत स्वर की संख्या एक है और वह आपका कौन सा है आ, समझ गए। अब हम दूसरा प्रकार लेकर चलते हैं कि स्वरों का दूसरा प्रकार किस स्थिति पर, जिह्वा की स्थिति पर स्वर का दूसरा प्रकार क्या होता है, ठीक है। जब जिह्वा की, अभी तक हम जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे, अब जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे कि जो स्वर आपके 11 हैं वो जिह्वा के कौन से किस पार्ट से निकलते हैं। अगर ये आपकी जीभ है तो कौन सा सबसे अगले पार्ट से निकलता, कौन मध्य से, कौन अंतिम से, इन्हीं के आधार पर इनको तीन श्रेणी में बांटा गया है, अग्र स्वर और फिर आपका मध्य स्वर और तीसरा जो सबसे अंतिम से निकलते हैं इनको पश्च स्वर की जो है श्रेणी में रखा जाता। तो ध्यान दीजिए, जहां पर भी ऐसी चीजें आपके सामने आए वहां हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा कि जब किसी स्वर के उच्चारण में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के तीन भेद किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी स्वर के उच्चारण में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर चार भेद थे, अब हम पढ़ रहे हैं कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी जिसमें आपकी जो जीभ है, जीभ के सबसे अगले पार्ट से आपके वर्णों का उच्चारण होता है, सबसे अगला पार्ट एक्टिव होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है, ऐसे उच्चारित स्वर को अग्रस्वर कहते हैं। हिंदी में ई ई ए ऐ, मतलब चार ऐसे हैं आपके स्वर जिनको अग्रस्वर की भूमिका में रखा जाता है। जब आप इनका उच्चारण करेंगे, ई ई का आप ई बोल लीजिए, ए ए ए ऐ बोल लीजिए, दोनों इन चारों वर्णों में आपको बोलने पर आपके जीभ की अगली पार्ट आपको महसूस होगा पूरी तरीके से कि अगला पार्ट जो है यहां पर कार्य कर रहा है। तो ऐसे वर्ण किसके अंतर्गत होंगे, ऐसे वर्ण आपके अग्रस्वर के अंतर्गत होते हैं। अब हम दूसरे वर्ण की ओर बढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा जिसको हम बोलते हैं मध्य आपका स्वर। ध्यान दीजिए, मध्य स्वर का मतलब कि ऐसे स्वरों का उच्चारण करते करें जो जीभ के एकदम मध्य पार्ट से निकलते हों। ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा आपका सबसे मध्य पार्ट से आता है, वह केवल एक है, वह आपका आ है, ठीक है। कौन सा है, केवल आ आपका मध्य स्वर होता है, तो मध्य स्वर की संख्या केवल एक हो गई। आगे बढ़ते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में मैंने बताया कि जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है, ऐसे उच्चारित स्वर को पश्च स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले उस पर, ठीक, इसके उदाहरणों को देखते हैं कि कौन सा उदाहरण आपके पश्च स्वर के अंतर्गत बनता है। तो ध्यान दीजिए, पश्च स्वर के जो उदाहरण जितने आपके 11 में बचे रह गए वह सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इनमें आपका ऊ ओ ओ ओ यम, कौन सा, बड़ा आ, ठीक है, इसमें आपके कितने शामिल हो जाते हैं, चार और एक, पांच आपके शामिल होते हैं, किसमें, पश्च स्वरों की संज्ञा में आते हैं। अब तीसरा प्रकार हम बात करने जा रहे हैं स्वरों का। स्वरों का वर्गीकरण आपके होठों की आकृति के आधार पर होने जा रहा है कि होठों की आकृति कैसी बनेगी, तो वह कौन सा स्वर कैसा स्वर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब किसी स्वर के उच्चारण में होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते तो इसमें दो वर्ग बनते हैं, स्वरों के दो विभेद बनते हैं, एक तो जिनमें हमारा मुंह, हमारा होंठ गोल बने और एक ऐसा जिसमें हमारे होंठ गोल ना हो, यानी एक आपका बनता है गोलीय स्वर, दूसरा बनता है आगोलीय स्वर जिसमें हमारे होंठ गोल नहीं हुए। ध्यान दीजिए, इसमें दोनों की जब हम परिभाषा को लेकर चलेंगे, जैसा आपकी परिभाषा मतलब चीजें बताई गई सेम वैसे ही परिभाषा है। जब हम बात करेंगे गोलीय स्वरों की, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ की स्थिति कुछ गोलाकार होती है, ऐसे उच्चारित जो आपके स्वर होते हैं उनको गोलीय स्वर कहते हैं, ठीक है। अब आप बोल के देख लीजिए कौन कौन से गोलीय हैं। सबसे पहला मिलेगा उ, फिर ओ औ, फिर ये जो आपका ओ होता है जब आप लिखते हैं ऑफ, ठीक है, ऑफ हो गया,
ऑफिस हो गया, इन सब में जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये उसके लिए ओ होता है। इसमें पूरा मुंह आपका नहीं खुलना चाहिए, गोल मुंह होना चाहिए, मतलब मुंह पूरा नहीं खुला है फिर भी आधा खुला है, ठीक है, तो वहां उनके लिए ये इस्तेमाल होता है आपका ओ, समझ गए। तो इसके अंतर्गत कौन सा, ये अंग्रेजी वर्णमाला में इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी में भी कुछ शब्द बोलने होते हैं, मुख्य रूप से इसमें चार आते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो आपका विशेष रूप से ओ आया है, इसका इस्तेमाल जब हम अंग्रेजी के शब्दों को बोलने में करते हैं, जैसे हमें बोलना हुआ डॉक्टर, ठीक है, तो हम डॉक्टर तो बोलते नहीं, डॉक्टर, ठीक, वो ना तो ओ है, ना औ है और ना आ है, इन सभी के बीच में आपका आता है, और जैसे हो गया डॉक्टर, नॉर्मल, ठीक है, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आगे इसमें हम बढ़ते हैं, ठीक है, अन्य चीजों को देखें कि अगोलिये के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम बात करेंगे अगोलिये के अंतर्गत आने वाले स्वरों की, तो जाहिर सी बात है जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ की जो स्थिति है यह गोलाकार नहीं होती, ऐसे उच्चारित आपके समस्त स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी स्वर आपके गोलिये अगोलिये स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब आप बोल के पूरा बाकायदा देख सकते हैं कि अगोलिये स्वर में कौन कौन से आपके आएंगे, और यह स्थित बहुत स्पष्ट है। अगोलिये में जो आने वाले हैं आ आता है, ई, ए और ए आपका अगोलिये स्वर के अंतर्गत है, यानी दो ये हो गए आ, दो आपके ये हो गए चार, और ए हो गया, साथ ही साथ ए हो गया, दो ये मिल गए, यानी टोटल आपके बनते हैं छह ऐसे स्वर हैं जो अगोलिये स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो हमने स्वरों के वर्गीकरण को तीनों आधारों पर देख लिया कि जिह्वा की जो आपकी स्थिति होती है उस आधार पर कैसे, ठीक है, यानी जिह्वा कितनी ऊपर उठ गई, जिह्वा की ऊंचाई हो गई, जिह्वा की स्थिति हो गई, और तीसरा हमने आपके होठों के आधार पर देख लिया कि गोलीय और अगोलीय कौन से है। तो पहले दो जो मैंने बताए हैं स्वर वो पूछे गए हैं, अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर हमेशा पूछे जाते हैं, विवृत, संवृत हमेशा, जब से ये नया पैटर्न आपका यूपी ट्रिपल एससी का हुआ है तब से ऐसे प्रश्न हमेशा आते ही आते हैं। अब हम व्यंजनों के जो है वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं कि जो व्यंजन ध्वनियां हैं इनका वर्गीकरण जब हम करेंगे तो आखिर किन किन चीजों को लेंगे, ठीक है। जब हम बात शुरू करते हैं आपके व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण को लेकर के, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर देखें कि जो वैयाकरण यानी जो व्याकरण की रचना करते हैं उनको वैयाकरण कहते हैं, जितने भी वैयाकरण रहे हैं जब बात होती है किन की व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण की, तो यहां पर इनके व्यंजन ध्वनियों को कई अलग अलग उसमें विभेद किया गया है, मतलब वर्गीकृत किया गया है, जिनके बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, ठीक, आप जानते भी हैं, स्पर्श ध्वनियां होती हैं, अंतास होती हैं, ऊष्म वर्ग होती है, इन सभी को स्पर्श जो आपकी आपकी ध्वनियां होती हैं इसमें जितने भी वर्गीय ध्वनियां आती हैं, मैंने 5x5 की मैट्रिक्स आपको बताई थी कि जब आप का वर्ग से शुरुआत कर दें और कहां तक बढ़ जाएं, पा वर्ग तक बढ़ जाएं, तो 5x5 की जो मैट्रिक्स बनती है या पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपकी क्या स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, अंतास व्यंजन के अंतर्गत चार रखे गए हैं, या, रा, ला और वा को, और वहीं जब हम ऊष्म ध्वनियों की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी ऊष्म ध्वनियों के अंतर्गत शा, शा और सा और हा होती हैं, यानी इनको बोलने पर क्या होती है, वायु रगड़ खा के गर्म हो जाती है, इसीलिए इनको इस ऊष्म ध्वनियां बोलते हैं। अब हम थोड़ा सी चीजें, ये तो हमने उच्चारण के आधार पर जो है देखा, कुछ चीजों को अब हमें यहाँ अलग जानना है, और वो अलग चीजों को हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपकी अलग अलग होती हैं, क्या व्यंजनों में भी आपको अलग फीचर्स मिलेंगे जैसे उसमें मैंने बताया था। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं व्यंजनों का, उच्चारण स्थान देखने जा रहे हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखने जा रहे हैं, किनके व्यंजन वर्णों का, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब किन्हीं ध्वनियों का उच्चारण मुख विवर के किस स्थान से हो रहा है हम इस पर गौर करते हैं, ठीक है, यह देखने लगते हैं कि कौन सी वर्ण मुख विवर के किस स्थान से उच्चारित होती है, तब क्या पता चलता है, इसी के आधार पर हम इनको बोलते हैं द्वेष्ट, दंतोष्ट, दंत, वड्स, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ और ओष्ठ,
ठीक है, यानी होठों से जो उच्चारित हो। तो इतने आधार पर इन सभी को हम डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, और इन्हीं को हमें पढ़ना है कि द्वयोष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वर्ष व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य कौन से हैं, तालव्य कौन से हैं, कंठ कौन से हैं, और अगला जो आपका बनना है ठीक है उसके बारे में भी कि आपका हाँ एक ध्वनि आपकी काकल्य भी होती है। पिछले एग्जाम में आपका पूछा था काक का अर्थ होता है आपका क्या, कंठ। ऐसी ध्वनि जो आपके कंठ से उच्चारित होती है वह काकल्य ध्वनि या कैकल्य ध्वनि, दोनों चीजें लिखे मिलती हैं, वह आपका हा होता है। तो इन्हीं सभी के बारे में हमें सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक चीजों को देखते हुए कि कौन सी चीजें यहां पर आ रही हैं, उन्हीं के बारे में हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको व्यंजन में यह भी पढ़ाया था कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, इनके बारे में कल ही मैंने चर्चा आपसे कर दी थी। आज हमें जो मुख्य रूप से चीजों को पढ़ना है, ठीक है, तो एक एक चीजों को मैं उठा रहा हूं आप सभी के सामने। चलिए ध्यान से पढ़ते चलिएगा। सबसे पहली चीजें आप अभी तक जो पढ़ के आए हैं, दंतोष्ट तो पढ़ते हैं, द्वयोष्ट पर ध्यान नहीं देते कि दोनों की परिभाषाओं में अंतर क्या है। बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए। जब हम बात करेंगे द्वयोष्ठ व्यंजन के बारे में, जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण दोनों होठों के स्पर्श से होता है उन व्यंजन ध्वनियों को द्वयोष्ठ बोलते हैं। ऐसी व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण दोनों होठों के आपके स्पर्श से हो वह द्वयोष्ठ ध्वनि बोल दी जाती है, ठीक है। व्यंजनों में इसको ध्यान रखिएगा, जब आप पावर्ग में जाते हैं, ठीक है, पावर्ग में दोनों होठ आपके आते हैं, इसमें पा फा बा भा मा वा द्वयोष्ठ व्यंजनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। पाफा बाबा मा और वा ये जो है ये सब किसके अंतर्गत है, द्वयोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीजों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दंतोष्ठ के बारे में। अब यहीं पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन बन सकती है कि द्वयोष्ठ क्या है, द्वयोष्ठ का मतलब दोनों होठों से उच्चारित होने वाले, तो भाई दंतोष्ठ क्या है, ध्यान दीजिए। जब हम बात करेंगे आपके दंतोष्ठ व्यंजनों की, तो दंतोष्ठ व्यंजन वह होते हैं कि जिन व्यंजन ध्वनियों का जो उच्चारण हो ऊपरी दांत एवं निचले होंठ के स्पर्श से होता है। इस चीज पर थोड़ा सा आपको गौर करना है कि जो ऊपर वाले आपके दांत हैं और जो निचला होंठ है इनका स्पर्श हो तो ऐसी ध्वनियां आपकी प्रस्फुटित हो। उनमें हमेशा ऐसी ध्वनियों को किन के अंतर्गत रखा जाता है, ऐसी ध्वनियों को दंतोष्ठ के अंतर्गत रखा जाता है। एक शर्त होती है, शर्त क्या है, ऊपरी दांत एवं निचले होंठ का मिलना, ठीक है। ऐसी व्यंजन ध्वनियों को दंतोष्ठ ध्वनि बोलते हैं जिनमें ऐसा फीचर हो, और हिंदी में दंतोष्ठ व्यंजन नहीं पाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, हिंदी में दंतोष्ठ व्यंजन नहीं होते हैं, द्वयोष्ठ तो होते हैं लेकिन दंतोष्ठ नहीं होते हैं। अब इसमें कुछ चीजों को और देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसमें, फारसी में हम पढ़ते हैं, फारसी भाषा में, तो फारसी भाषा में कुछ आपकी ध्वनियां ऐसी मिलेंगी जिनमें दंतोष्ठ की चीजें मिलती हैं। जैसे फारसी का शब्द आपका है फा, ठीक है, और अंग्रेजी में जैसे होता है एट या एट लिखा है एट, ठीक। तो इसको जब आप बोलेंगे तो यहां पर ऐसी चीजें आती है, इन ये जो ध्वनियां हैं ये सब इस रूप में वर्तमान में मौजूद है, समझ गए। हिंदी की जो वा ध्वनि है, वा ध्वनि को कुछ ध्वनि विज्ञानी दंतोष्ठ मानते हैं, परंतु वा द्वयोष्ठ व्यंजन है, ना कि आपका दंतोष्ठ व्यंजन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वा आपका क्या है, दंतोष्ठ में लिखा मिलता है कि वा आपका दंतोष्ठ है, लेकिन वा क्या निचला होंठ आपके ऊपरी दांत को टच करता है, ऐसी कंडीशन आती है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही तो वहां पर हम जो चीजें इसके लिए दंतोष्ठ के लिए बोली जाती हैं वह सही नहीं होंगी। चलिए ध्यान देते हैं अगले व्यंजन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको हम जानते हैं वर्ष व्यंजन के तौर पर। वर्ष व्यंजन कौन से हैं, ऐसी व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण वर्ष अघा अर्थात मसूढ़ा, ठीक है, जो आपके मसूढ़े हैं उनकी उनकी सहायता से हो, ऐसे व्यंजनों को हम वर्ष व्यंजन बोलते हैं। अब इन व्यंजनों में कौन कौन सी चीजें अन्य आती हैं वो ध्यान रखिएगा कि इन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा क्या होगी, जीवा आपके मसूड़ों के स्थान को या मसूड़ों को स्पर्श करेगी पूरी तरीके से। जो जीव होगी वह अगर मसूड़ों को टच कर रही तो आप समझ जाओ हम किन व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं, हम वर्ष व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं। और ऐसी चीजें किस व्यंजन में पाई जाती हैं, ऐसी चीजें क्या हिंदी में हैं,
हिंदी में पहले जो दंत ध्वनिया थी, दंती ध्वनिया थी, वह आज वर्ष ध्वनिया है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन किया गया है, जो पहले दंत ध्वनिया कहलाती थी अब उनको हम वर्ष व्यंजन के तौर पर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, दंत ध्वनि जब आ ही गया है तो दंत ध्वनि को भी समझ लेते हैं कि दंत ध्वनिया किन को कहा गया था। आज मान लीजिए नहीं बोला जा रहा, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जो जिह्वा है दांत को स्पर्श करती है, ऐसे उच्चारित व्यंजन दंत कहलाते थे। जैसे आपका ता हो गया था, दा धा ना और सा। ठीक है, ये साधारण वाला सरोता वाला सा है, ये शा नहीं सा है। ठीक है, दंत जो ध्वनियां होती हैं यह दंत व वत्स दोनों के बीच उच्चारित होती हैं। दांत और आपके वत्स जो व्यंजन होते हैं उन दोनों के बीच में उच्चारित होती है। इस वजह से अब जो आपकी दंत ध्वनियां थी इनको किनके अंतर्गत, ठीक है, पहले जो है वर्ष के अंतर्गत रखा जाता है, वर्ष ध्वनियों के अंतर्गत, यानी मसूड़ों से मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका, ठीक है, व्यंजन के बारे में सब कुछ। अब हम एक व्यंजन अगले उसमें बात करने जा रहे हैं कि मूर्धन्य आखिर ध्वनियां कौन सी होती है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो मूर्धा आप सारे लोग जानते हैं, ठीक है, जब आप शुरू करते हैं सबसे निचला हमारा कंठ होता है, कंठ से ऊपर जो गड्ढे नुमा आकृति होती है वह आपकी तालु होती है। ठीक है, और तालु के बाद फिर आप बढ़ते हैं तो फिर चीजें जो आपकी जो है मुख द्वार का सबसे ऊपरी फ्लैट पार्ट होता है, ठीक है, मुख वाला सबसे ऐसे मुड़ा हुआ, तो उसमें जहां जीभ लगती है वो मूर्धा होती है आपकी। ठीक है, तो यहां आपसे क्या पूछा है कि मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है। चलिए अब मूर्धन्य के बारे में हम बात करते हैं, यानी जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण है मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। समझ गए ना, यानी ऐसी व्यंजन ध्वनि आप बोले कि जो आपके बोलने की जो है उच्चारण करने की दशा हो वह दशा क्या करे, हमारे जो जो है ऊपरी फ्लैट पार्ट है मुख का उसको जीभ टच करनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन ऐसी शर्त उत्पन्न होती है तो आप समझ जाएं कि यह किसका उदाहरण है, मूर्धन्य ध्वनि का उदाहरण है। इनके उच्चारण में जीभ को कठोर तालु के पिछले भाग में स्थित मूर्धा का स्पर्श करना पड़ता है, यह जरूरी है। जब आप बोलोगे टा ठा डा ढा अड़ा और फिर आपका अड़ा योम ढा, ठीक है, इतने को जब हम बोलेंगे तो ये सभी आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि जीभ आपकी ऊपर जाकर के टकराती है सभी से। समझ गए, अगली चीज हम पढ़ते हैं तालव्य। मैंने बताया कि कंठ से ऊपर जैसे आप बढ़ते हैं तो गड्ढे नुमा जो आकृति होती है वह तालु होती है। ऐसी भी ध्वनियां हैं कि जिन व्यंजन ध्वनियों का जो उच्चारण हो तालु से के स्थान से होता है उन्हें तालव भी हम कहते हैं। समझ गए, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उच्चारण जब हम करेंगे तालव्य में तो जीभ का जो अगला भाग होगा यह तालु को छूता है। ठीक है, जैसे आप उच्चारित करिए, आप बोलिए चा छा जा झा इया को, ठीक है, जब हम बोलेंगे चा छा जा झा इया तो इसमें आपकी जीभ जो है तालु को टच करती है, और इसमें या भी इसी के अंतर्गत है और आपका शा भी इसी के अंतर्गत है, ये शा है। ठीक है, ये शा है आपका, ना कि सा, दोनों में अंतर है। अब कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, कंठ मैंने बताया कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ से होता है, ये ध्वनियां आपकी कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें ऐसी भी आपकी जुड़ती हैं जिन पर विवाद होता है, ध्यान दीजिए, जब कंठ ध्वनियों का उच्चारण होता है उसमें जीभ का पिछला भाग। चलिए अब हम देखते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या क्या होगा, कौन कौन से इनके वर्गीकरण यानी विभेद बनते हैं। ध्यान दीजिए, जिन व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण उनके उच्चारण अव्यय के द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, उच्चारण अव्यय से लेकर संबंधित है, इस चीज को बहुत जरूरी है ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर किया जाता है उन्हें उच्चारण प्रयत्न कहा जाता है, यानी इसके अंतर्गत स्वर तंत्रियों में कंपन होने अथवा ना होने के आधार पर अघोष और सघोष ध्वनियों का वर्गीकरण होता है। समझ गए, तो ये एक चीज इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बहुत बड़ी चीज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जो अभी UP SSC के नए पैटर्न में कुछ जगहों पर मुझे प्रश्न मिले हैं, इसीलिए मैंने कुछ नई परिभाषाओं को इसमें शामिल किया है। ठीक है, उन सभी पर काम करके ये ऐसी परिभाषाओं को शामिल किया है, क्योंकि अभी लेखपाल में ऐसे प्रश्न आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजनों को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आपको बने हैं। अभी आप परिभाषा देखोगे तो समझ पाओगे कि हाँ ऐसा भी स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत भी विभेद है। ठीक है, आपको प्रश्न मिलेंगे, क्विज में मैंने डाला भी है। ध्यान दीजिए सारे लोग,
स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वैसे 5×5 की मैट्रिक्स हमारे दिमाग में बनती है कि का वर्ग से शुरू करें और पा वर्ग तक जाएं, जितने मिल जाएं वो स्पर्श व्यंजन है। लेकिन यहां पर व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, ठीक है। जीवा के उच्चारण स्थान को स्पर्श करते समय जो वायु होगी मुख विवर में अवरुद्ध होकर झटके से बाहर निकलती है, ऐसे प्रयत्न से उत्पन्न जो व्यंजन ध्वनि होगी यह स्पर्श ध्वनि कहलाती है, ठीक है। अब इसमें चीजें आपकी कुछ क्लियर हुई, अब थोड़ा सा जब आप और चीजों को देखेंगे जैसा आप पढ़ के आए हैं तब और कंफर्म होगा क्या इनके अंतर्गत कंठ, मूर्धन, दंत, वर्ष और ओष्ठ ध्वनियां सम्मिलित हैं, सब कुछ इसी के अंतर्गत है, पार जो है स्पर्श के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं लाना है, का से आप शुरुआत करेंगे, ठीक है, का खा गा घा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, पा फा बा भा, ये स्पर्श ध्वनियां है। जो अंतिम वर्ड पांचवा जो इसके कहीं पर भी जिक्र इनमें नहीं हुआ है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा, जो पांचवा आपका वर्ण होता है उनके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है वर्गीय व्यंजनों में, तो वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, इससे प्रश्न आया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन से प्रश्न आया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा लेखपाल का जो है UPSSC का, उसमें आपको मिल जाएगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, और ये चीजें आपको कंफ्यूजन देंगी। ध्यान दीजिए, स्पर्श संघर्षी जब हम बात करेंगे व्यंजनों में, तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान के स्पर्श उच्चारण के स्थान को स्पर्श करती है, तथा दूसरी चीज मुख विवर से वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, तो वो स्पर्श किसके अंतर्गत आएगी, वो चीजें इन्हीं के अंतर्गत आपकी आएंगी, ठीक, जिनको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। अब थोड़ी सी चीजें यहां पर अलग हो गई, हम तो संघर्षी उष्म संघर्षी पढ़ के आए थे, लेकिन स्पर्श संघर्षी क्या है, प्रश्न आए हुए हैं, UPSSC आप उठाओगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब मुख विवर से वायु घर्षण के साथ निकलती है, ठीक है, ऐसी उच्चारित ध्वनियों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से, इनमें चार है, दिमाग में बना लीजिए कौन कौन से चार हैं, आपका चा छा झा झा, इन चारों को स्पर्श संघर्षी बोला जाता है। अभी तक हम क्या जानते थे कि संघर्षी व्यंजन चार होते, सा सा साहा, लेकिन ये चीज दिमाग में बना लो, स्पर्श संघर्षी चा छा झा झा होते हैं, ये प्रश्न आपका UPSSC के द्वारा पूछा गया है, तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक। बाकी पॉइंट्स में हर दिन आपको ऐसी चीजें दूंगा, ठीक है, जो चीजें आप एग्जाम में गलत करने के चांसेस करते हैं, मैं उन सभी को आपको डेली बेसिस पर याद दिलाता रहूंगा। जब लाइव होगा तो और भी मजा आने वाला है, इसीलिए सारे दोस्तों को भी जोड़िए, यहाँ सारी क्लासेज आपको फ्री रहेंगी, PDF जैसे ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इनकी नोट्स लेनी है अच्छी फीचर्ड में, ठीक है, ताकि आप प्रिंट करा सको, उन सभी के लिए आप जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है PDF को लेकर के, वीडियोज और कुछ सब कुछ फ्री होते हैं, ठीक है। तो अगली बात हम करने जा रहे हैं स्पर्शी जो है संघर्षी ध्वनियों की। अब संघर्षी ध्वनियां तो आप पढ़े ही हैं कि संघर्षी कौन सी, वही संघर्षी आपकी शा शा साहा, ठीक है, ये चार जो है, यानी जब वायु सक्रिय मार्ग से निकलती है तो रगड़ खा के गर्म हो जाती है, ऐसी आपकी संघर्षी ध्वनियां होती है, वो वही है, बस स्पर्श संघर्षी थोड़ा सा अलग आ गया है और ये पूछा गया है चुकी UPSSC द्वारा, इस वजह से मैंने उस चीज को बताई। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज मैंने इसके बारे में वैसे आपसे जो है जिक्र किया है, ये पूछा भी है आपके एग्जाम में कि पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, पार्श्विक, पार्श जिसको आप बोलते हैं घूम के वायु निकलती है, ऐसी व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण में जिह्वा दंत अथवा वर्ष, वर्ष का मतलब मसूढ़ा, ठीक है, स्थान को छूती है और उस समय वायु जिह्वा के अगल बगल से बाहर निकलती है, उन ध्वनियों को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन हिंदी में केवल एक है जो आप जानते हैं, वह ला है। पार्श्विक के बाद अगला आता है लुंठित व्यंजन क्या होता है, यह भी आपका UPSSC में पूछा गया है। लुंठित व्यंजन के बारे में जब हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा इसकी परिभाषा कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा एक या एक से अधिक बार वर्ष स्थान को स्पर्श करती, मसूड़ों को स्पर्श करती है, तो ऐसे व्यंजन आपके किसके अंतर्गत, लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और हिंदी में लुंठित व्यंजन का जो उदाहरण है वह है आपका रा। क्या एक से अधिक बार आपके मसूड़ों को टच किया जीभ ने, बोलिए रा, कितनी बार जीभ आपकी लड़ती है, तो ऐसे व्यंजन को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अगली चीजों के उच्चारण पर,
इनके बाद। तो ये सारी चीजें जब हमने डिस्कस किया, अभी बहुत सारी चीजें और नहीं है, इनके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। देख लेते हैं अगली चीज आ गई उच्छिप्त व्यंजन की। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी में जो मैंने बताया भी है कल की परिभाषा में भी, डा और ढा हैं, इन दोनों को उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ आपकी झटके के साथ नीचे आती है, ठीक है। आप बोलिए डा ढा, तो जीभ झटके के साथ नीचे आती है और ऐसी जो ध्वनिया है यह उच्छिप्त ध्वनिया कहलाती है, समझ गए। नासिक की क्या होती है? का वर्ग से शुरू करिए और आप पा वर्ग तक जाइए और जो पांचवा वर्ण आपको मिल रहा है वह नासिक की है, यानी जिनके उच्चारण में नाक से वायु निकलती है, ऐसी ध्वनियों को हम नासिक के बोलते हैं, ठीक है। और नासिक के ध्वनियों को पंचमाक्षर बोला जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक पंचमाक्षर है, आया है यूपी ट्रिपल एससी में, वहां नासिक के नहीं लिखा, वहां लिख दिया निम्न में से कौन सा एक पंचमाक्षर है, तो दिमाग में तुरंत जाना चाहिए पंचमाक्षर भैया क्या होते हैं, जो हर एक वर्ग का वर्ग से आप शुरुआत करते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं काखा गागा अंगा, तो अंगा आया, उसमें नाक से उच्चारण हुआ, चाचा जाजा इया, टाटा डाडा आड़ा, पापा बाबा मा, ठीक है, ये चीजें जो आई ताथा दादा ना, तो ये जो पांचवा वर्ण सभी का आ रहा है उसमें उच्चारण नसिका से हो रहा है, नासिका से, तो इसी वजह से इनको क्या बोला गया, नासिक की ध्वनिया बोला जाता है, समझ गए। महाप्राण अल्पप्राण के बारे में मैंने चर्चा कर ही ली है आपसे, अब हम बढ़ते हैं अगली चीजों के बारे में, ठीक है। अगली चीजें आपके सामने क्या है, एक आध चीजें और बची हैं, सबसे बेस्ट उसके बाद जो फार्मूला है मैं उस चीज पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। वो फार्मूला क्या है, जैसे अभी तक जितनी परिभाषाएं मैंने बताई वो पूछा जा रहा है इस वजह से, लेकिन उच्चारण स्थान को सिर्फ आपको याद रखना है, दिमाग में फिट रखना है, उसके लिए सबसे सही आपका विकल्प है संस्कृत व्याकरण, ठीक है। अभी अर्धस्वर के बारे में मैंने आपको कल जिक्र किया है कि अर्धस्वर क्या होते हैं भाई, या और वह आपकी ऐसी ध्वनियां हैं जिनको अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता, चार को याद रखना, ठीक है। ला पार्श्विक है, रा लुंठित है, या और वह अर्धस्वर कहलाते हैं, तो या और वह को याद रखिएगा, ये दोनों अर्धस्वर की श्रेणी में आपके आते हैं, ठीक है। अब मैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार आपको बताने जा रहा हूं कि उच्चारण को अगर हमें ध्यान रखना है तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन कौन से, ठीक है, आपको मैं नौ फॉर्मूले बता रहा हूं, इनको ध्यान कर लीजिए, कभी भी उच्चारण स्थान आपके गलत नहीं होंगे। सबसे पहला क्या है, पहला आपका आता है अकुह बी सर्ज निया नाम कंठा, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, अकुह आ का और हा, ठीक है, यानी आ का वर्ग पूरा, और का वर्ग का मतलब काखा गागांगा, और आपका कौन सा हा, ठीक है, सिर्फ हा, और विसर्ग जो आपका होता है, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, एक याद करिए, तमाम सारी बातें आपको याद हो गई, ठीक है। अकुह मतलब आ, कुम का मतलब का वर्ग पूरा, काखा गागा अंगा, और हा साथ ही साथ विसर्ज यानी विसर्ग, इन सभी का उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है, और इन सभी को कंठ वर्ग कहते हैं, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी ओर, दूसरा फार्मूला आपके सामने है, बहुत आसान सी चीजें हैं, इनको समझ लीजिए। दूसरा जो फार्मूला है, ठीक है, केवल नौ में बता रहा हूं, नौ को इनको आप जो है नोट्स में भी पा जाएंगे, सब कुछ मैंने जितनी चीजें बताई सब कुछ नोट्स में दे दिया है। दूसरा है आपका इचू शानाम तालुहु, ठीक है। अब यहां इचू यानी ई, चू का मतलब चा वर्ग पूरा, यानी ई चा वर्ग पूरा, चा वर्ग यानी चाचा जाजा इया, और या आया है उसके बाद, या और शा, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो इचू शानाम तालु, इतना दिमाग में रखना है, अपने आप दिमाग में क्लियर हो जाएगा कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है, ठीक। और ये तालु से है इसीलिए इनको तालब विवर्ण कहते हैं। अगला तीसरा आपका क्या है, रिटुर साणाम मूर्धा, ठीक है, रिटुर साणाम मूर्धा। अब इसमें समझ लो, एक तो पहला री हो गया, दूसरा टावर्ग हो गया, और रा हो गया, ठीक है, कौन कौन सा, एक इसमें साथ ही साथ कौन सा आ गया, ये वाला सा, जाओ आपका षटकोण वाला है वो भी शामिल हो गया, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, री टावर्ग रा, ठीक है, इन सभी का उच्चारण, और साथ ही साथ आपका शा, इन सभी का उच्चारण क्या होता है, मूर्धा होता है, और इसीलिए इन सभी ध्वनियों को मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं, समझ गए। मतलब एक चीजें पढ़ो और सब कुछ आपका रामबाण तरीका आपको मिल जाए, तो वो रामबाण तरीका आपके सामने मैं लाया हूं। अगला चौथा देखिए, चौथा आपका क्या बोल रहा, लिटु लशानाम दंता,
ठीक है। लृतु लसा नाम दंता, लरी लरी का इस्तेमाल अब नहीं होता है, पहले होता था, ठीक है। लरी ता वर्ग ला तथा सा, ये साधारण वाला सा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है, इसीलिए इन सभी को दंत वर्ण बोलते हैं, समझ गए। तो लृतु लसा नाम दंता, कितना आसान सा चीज है, दिमाग में हमेशा याद रहेगा। अगला देख लीजिए, अगला आपसे बोल रहा उप उपध्या निया नाम ओष्ठो, उप उपध्या निया नाम ओष्ठो, समझ लो अर्थ क्या है, उ का मतलब उ और पध्या पावर्ग आपका आ गया, ठीक। उ और पावर्ग का उच्चारण ओष्ट से होता है, इन्हें ओष्ट वर्ण की संज्ञा दी जाती है। अगला बढ़ते हैं, छठा जो आपका सूत्र है, छठा सूत्र क्या है, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था पंचमाक्षर के बारे में, ठीक है। छठा सूत्र है पंचमाक्षरे नासिकाचा, पंचमाक्षरे नासिकाचा, यानी जो पांचवा आपका जो है हर एक वर्ग का वर्ण होगा उसका उच्चारण क्या होता है, नासिका होता है, ठीक है। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक चले जाइए और इसमें हर एक पांचवें वर्ण का जो उच्चारण होगा वह नासिका से होगा और ऐसे वर्णों को नासिक वर्ण की संज्ञा दी जाती है। अगला देख लेते हैं, अगला आठवां और नौवां बचा, मतलब इसमें कितने, केवल नौ फार्मूले हैं, इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, कभी भी गलत कहीं भी नहीं होना है, चाहे जहां आप बैठे किसी भी परीक्षा हाल में। आठवां बोल रहा ए दौत हो कंठ तालु, ए दैतो हो कंठ तालु, ठीक है। ए दैतो मतलब ए जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, दोनों कंठ तालु लिखा है यहां पर, ए दैतो कंठ तालु, यानी ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, इसीलिए ऐसी ध्वनि को कंठ तालव्य ध्वनि बोलते हैं, समझ गए, क्या बोलते हैं, कंठ तालव। नवा बचा आपका नौ नंबर का फार्मूला कौन सा, ये नौ तीर है आपके पास, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम मतलब जो वा है, ठीक है, यारा लावा वा है, वा का उच्चारण स्थान जो होता है या दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है और इसीलिए ऐसा बोला गया कि वकारस्य दंतोष्ठम। तो नौ चीजें मैंने बता दी आपको, नौ को याद कर लीजिए, जितनी परिभाषाएं बताई हैं नोट्स प्राप्त कर लीजिए, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। तो आज हम वर्णमाला को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं, इसमें वर्णमाला के तीन लेक्चर हो चुके हैं, अगर आप इसको सीधा देख रहे हैं तो इससे पहले दो जाकर के देख लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। इसके सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर दिन 10 क्वेश्चन मैं देता हूं, जो पढ़ाता हूं टॉपिक उसी नोट्स से होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर करते रहे, कुछ ही दिन में लाइव क्लासेज आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।